हेलो दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ बाइनरी ट्यूब प्रयागराज यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था माउस के बारे में, क्या होता है माउस, कितने टाइप के होते हैं माउस और उसको यूज करने के क्या क्या टेक्निक है। या फिर दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वापिस से आप उसको देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप इस पूरे प्लेलिस्ट को ही सेव कर लीजिए जहाँ पे आपको सारी वीडियो सीरियल वाइज ही प्रोवाइड की जा रही है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड को भी आप जानते हैं, ये भी एक टाइप का इनपुट डिवाइस है। तो कोई भी इनपुट डिवाइस हो, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को, अपने इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। तो नॉर्मली ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है और काफी पॉपुलर डिवाइस भी है, विच हेल्प्स इन इनपुटिंग डेटा टू द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने में हेल्प करता है। द लेआउट ऑफ कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। तो अगर आप कीबोर्ड के लेआउट को देखेंगे तो जैसे कि एक ट्रेडिशनल टाइपराइटर होता है, ठीक उसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। एल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन, लेकिन इसमें क्या होता है, कीबोर्ड में क्या होता है, कुछ एडिशनल कीज होती हैं जो एडिशनल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, एडिशनल वर्क को परफॉर्म करते हैं। कीबोर्ड्स आर टू टू टाइप्स, जिसमें फर्स्ट टाइप हम लोग का को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ नॉर्मल कीबोर्ड एंड सेकेंड मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो नॉर्मल कीबोर्ड में आपको लगभग 104 कीज मिल जाएंगी और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 108 या 112, इट मींस 112 कीज भी मिल जाती है। अब पहले तो समझ लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है वहां पे आपको कोई अलग से स्पेशल कीज नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको मल्टीमीडिया कीबोर्ड में मिलता है। लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है, जो हम लोग के मीडिया वाले की होते हैं वो अलग से दिए गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो म्यूजिक को स्टॉप करने वाला बटन होता है वो भी स्पेशल से होगा, इट मीन्स इस बटन को क्लिक करने पर आपका म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप म्यूजिक को नेक्स्ट वाले म्यूजिक को प्ले कर सकते हो, उसके पहले वाले म्यूजिक को प्ले कर पाते हो, मतलब डायरेक्टली चेंज कर पाते हो किसी की के हेल्प से। तो इट मीन्स जो स्पेशल से आपको मल्टीमीडिया की दी गई है, तो उस टाइप के कीबोर्ड को हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं। आइए थोड़ा डीपली हम लोग बात कर लेते हैं कीबोर्ड के बारे में। तो ड्रॉ कर लेते हैं कीबोर्ड का एक स्ट्रक्चर। अब यहां पे क्या होता है, आपको कई सारी की डिवाइडेड मिलती हैं। तो कुछ के एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लेफ्ट साइड टॉप पे होती है, उस की का नाम होता है इस्केप बटन। क्या नाम होता है, इस्केप बटन। इस्केप मतलब ये ज्यादातर हमको बैग लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी टैली का यूज करिए तो वहां पे आपको इस की का यूज कंप्लीटली समझ में आएगा। तो स्टार्टिंग में क्या था, माउस नहीं था, तो उस टाइम पे जो हम लोग बैग जाते थे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन करते थे, तो यही सारी की के हेल्प से हम लोग उनका यूज करते थे, इट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाते थे। नेक्स्ट है आपका जो मिलते हैं आपकी जो और की है, उनका नाम है फंक्शन की। फंक्शन की आपकी टोटल 12 होती है, जिनका नाम स्टार्ट होता है F1 to F12। अब फंक्शन की का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो भी फंक्शन की होंगी उनका पहले से डिफाइंड एक वर्क होगा और हर सॉफ्टवेयर पे उनका वर्क अलग अलग होता है, लेकिन कहीं कहीं पे सेम वर्क भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये जो फंक्शन की है वो वही वर्क परफॉर्म करेंगे जो पहले से प्री डिफाइंड है, जो पहले से उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है, बता दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप नोटपैड को ओपन करिए, F5 प्रेस करिए तो वहां पे क्या होता है, डेट एंड टाइम इंसर्ट हो जाता है। F1 को प्रेस करिए तो हेल्प वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। नेक्स्ट आपका होता है, तो यहाँ पे एक सिंबल होता है जिसको हम लोग टिल्डे के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आपको नंबर की मिल जाती है। तो नंबर की में क्या होता है, आपके नंबर भी होते हैं 0 to 9 और इस कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ही की पे नंबर भी है और एट द रेट भी। एग्जाम्पल तो अगर आप नॉर्मली या डायरेक्टली प्रेस करते हो तो आपके नंबर इनपुट होते हैं, लेकिन आप दूसरे वाले करेक्टर को अगर यूज करना चाहते हो, प्रेस करना चाहते हो, तो आपको शिफ्ट की के साथ उसको प्रेस करना होगा। इट मीन्स आप एक बार शिफ्ट प्रेस कर लीजिए, फिर उस की को प्रेस करिए, देन वो इनपुट हो जाएगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा जैसे टैब की। तो टैब की क्या होता है, तो आप देखेंगे टैब की में ऐसे एरो बना रहता है। तो टैब की क्या वर्क करता है, पहली चीज तो ये 5 स्पेस के इक्वल स्पेस प्रोवाइड करता है। इट मींस आप 5 बार स्पेस की प्रेस कर लीजिए या फिर एक बार टैब की प्रेस कर लीजिए, आपको यहाँ पे अल्ट की मिलती है जिसका नाम होता है अल्टरनेट। आप अल्ट की के हेल्प से, इट मींस अल्ट को प्रेस कर लीजिए और टैब की को प्रेस करते जाइए, तो ये क्या करता है, जो भी आपके रिसेंट में सॉफ्टवेयर ओपन रहते हैं ये उसको मूव कराता है सर्कुलर पाथ। इट मींस मान लीजिए नोटपैड ओपन है, एमएस वर्ड ओपन है, पेंट ओपन है, तो आप नोटपैड पे हो, अल्ट प्रेस करो, एक बार टैब प्रेस करो तो वो मूव करेगा दूसरे पे, जैसे आप उसको छोड़ दोगे तो वो दूसरा वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, फिर से प्रेस करोगे तो वो तीसरे वाले पे मूव कर देगा। इट मींस यहाँ पे वो हेल्प कर रहा है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में मूव करने पे, तो एज अ शॉर्टकट की ये यूज हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद आपको कैप्स लॉक मिल जाएगा, शिफ्ट की मिल जाएगी, 2 इंटर की मिल जाती है, नंबर पैड मिल जाते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे कैप्स लॉक की, तो कैप्स लॉक का यूज क्या है, अगर आप कैप्स लॉक को ऑन करते हो, इट मींस उसकी जो लाइट होती है वो जैसे ही ऑन हो जाती है, मतलब कैप्स लॉक एक्टिव हो चुका है। कैप्स लॉक को ऑन करने के बाद आपके यहाँ पे जो करेक्टर होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, वैसे तो वो सारे स्मॉल में लिखे रहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उनको कैपिटल में भी इनपुट कर सकते हो, स्मॉल में भी इनपुट कर सकते हो। अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो आप एक बार शिफ्ट प्रेस कर दो, जैसे ही वो एक्टिव हुआ, अब आप किसी भी अल्फाबेट को प्रेस करोगे तो उसका कैपिटल वाला अल्फाबेट इनपुट होगा। अगर आप स्मॉल वाला इनपुट करना चाहते हो तो कैप्स लॉक को ऑफ कर दो। अब मान लीजिए वहां पे क्या है कि आपको सिर्फ कोई एक करेक्टर प्रिंट करना है, वो कैपिटल में करना है, तो अगर आपको सिर्फ एक करेक्टर प्रिंट करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करो और तब तक प्रेस किए रहो जब तक आप उसको प्रेस करके यूज नहीं कर लेते हो। एक बार शिफ्ट प्रेस करो और अब मान लो एग्जांपल में ए इनपुट करना है, कैपिटल है, तो कैपिटल ए को इनपुट प्रेस कर दो, देन उसके बाद छोड़ दो तो आपका कैपिटल ए इनपुट हो जाएगा। फिर आपको जो एरो की मिलती है वो 4 होती है, 4 होती है, टॉप डाउन लेफ्ट राइट, तो उसको हम लोग अलग अलग प्लेस पे अलग अलग पर्पज से यूज करते हैं। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपको पेज अप, पेज डाउन, PRTSCR, एंड, होम, ये सारे कई की मिल जाते हैं, इंसर्ट, बैक स्पेस, डिलीट, तो हर किसी का अपना एक अलग यूज होता है, तो धीरे धीरे हम लोग उसको यूज करते चलेंगे और उस टाइम पे उसकी भी बात कर लेंगे, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ, यहाँ पे पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि 2 की होती है, एक बैक स्पेस होता है और एक दूसरे का नाम होता है डिलीट की, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बात करें यहां पे बैक स्पेस की, तो इट मींस ये बैक जाएगा और डिलीट की बात करें तो ये राइट मूव करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका, आपने इनपुट लिख दिया, आपने कंप्यूटर में आपने टाइप कर दिया बैक स्पेस। अब अगर आप बैक स्पेस का यूज करते हो तो जहां पे भी ये पॉइंटर रहता है, कर्सर रहता है, उसके लेफ्ट साइड के कंटेंट को डिलीट या बैक स्पेस करता है। कौन? बैक स्पेस। अगर डिलीट की बात करें तो डिलीट क्या करता है, जहां भी कर्सर रहता है, पॉइंटर रहता है, उसके राइट साइड के कंटेंट को डिलीट या बैक स्पेस करता है। तो ये तो डिफरेंस था हम लोग का डिलीट और बैक स्पेस की के बारे में। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम लोग का जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इज आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन। तो जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसका यूज करते हैं हम लोग अपने स्क्रीन में जो हम लोग का कर्सर होता है, उस कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं, या फिर किसी फोल्डर को, किसी फाइल को ओपन करना है तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मूव कराते हैं, फिर उस पोजीशन पे जाके हम उसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इट इज मेनली यूज्ड इन CAD। इसका मेनली यूज किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग में, या फिर हम लोग एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स, कंप्यूटर गेम वगैरह जो प्ले करते हैं वहां पे भी इसका हम लोग यूज करते हैं। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड राइट और लेफ्ट, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो जॉयस्टिक का यूज हम लोग करते हैं लेफ्ट साइड मूव करने के लिए, राइट साइड मूव करने के लिए, फॉरवर्ड मूव करने के लिए एंड बैकवर्ड मूव करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टेड ऑफ अ माउस। तो जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम लोग करते हैं नोटबुक में,
कंप्यूटर में, लैपटॉप में, लेकिन वर्क क्या होता है, तो जैसा ही हम लोग कुछ वर्क करवा रहे होते हैं माउस से, वही वर्क ये भी कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैनर। स्कैनर क्या है, आप लोग इसको देखे भी होंगे या फिर कभी अपना फॉर्म वगैरह जब भी फिल करवाए होंगे तो वहां पे आप अपने फोटो या सिग्नेचर को क्या करते हैं, अपलोड करवाते हैं, स्कैन करवाते हैं, तो वो स्कैनर के थ्रू ही हम लोग करते हैं। स्कैनर इज एन आल्सो इनपुट डिवाइस। स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन अ पेपर एंड इट इज टू बी ट्रांसफर टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। तो स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी पेपर पे अवेलेबल है और उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करवाना है तो हम लोग इस इनपुट डिवाइस स्कैनर की हेल्प से क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद उस पेपर के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में या किसी भी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। मेमोरी में स्टोर करने के बाद अब स्टोर क्यों करते हैं, कुछ उस पर वर्क करवाना होता है, कुछ एडिटिंग करना होता है, कुछ मैनिपुलेशन करना होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में स्टोर करवा लेते हैं। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स विच आर देन कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। तो स्कैनर क्या करता है, आपके उस इमेज को, आपके उस कंटेंट को कैप्चर करता है, कैप्चर करने के बाद फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, डिजिटल फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम लोग क्या यूज करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता, सिर्फ डिजिटल डेटा पे ही कोई वर्क करता है। तो स्कैनर उस जो हार्ड कॉपी में मैटर था उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया, और वो सॉफ्ट कॉपी किस फॉर्म में है, कंप्यूटर के फॉर्म में, इट मींस कंप्यूटर की लैंग्वेज के फॉर्म में। अब वो कौन सा लैंग्वेज समझता है, डिजिटल वाली लैंग्वेज, और वो डिजिटल वाली लैंग्वेज कौन सी होती है, कौन सी होती है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा। आइए बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का MICR। बात करते हैं MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा वो चेंज कर देंगे, रिकॉग्निशन की जगह रीडर कर देंगे, या फिर और किसी वर्ड का और किसी मीनिंग का वर्ड चेंज कर देंगे, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो फुल फॉर्म की बात करें अगर, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। आइए बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। MICR कोड इज अ प्रिंटेड ऑन चेक्स यूजिंग मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन वाली, इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम लोग के चेक पे एक कोड प्रिंट होता है, और वो कोड MICR कोड कहलाता है, और उस कोड को रीड करने के लिए, उस कोड में रखी गई इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, रिसीव करने के लिए हमें MICR की जरूरत पड़ती है। दिस इनेबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेक्स विच इन टर्न मीन्स फास्टर प्रोसेसिंग। तो देखिए क्या होता है, उस कोड, वो एक कोड होगा जो आपके चेक पे प्रिंट होगा, और उस कोड की सारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में या फिर सर्वर पे कहीं सेव होती है, और वापिस से जब हम इस डिवाइस के थ्रू हम उसको स्कैन करते हैं, रीड करते हैं, तो जो स्टोर हुई सर्वर पे सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे सामने रिसीव हो जाती है, और हम उस सारे इंफॉर्मेशन को तेजी से, जल्दी से, आसानी से एक्सेस करके सारी इंफॉर्मेशन पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल नॉलेज ले पाते हैं। इट इज अ 9-digit कोड। ये क्या होता है, 9-digit का एक कोड होता है। द फर्स्ट थ्री डिजिट्स इन द MICR कोड रिप्रेजेंट द सिटी कोड। और इस 9-digit का जो फर्स्ट थ्री डिजिट होता है वो क्या होता है, तो वो उस सिटी का कोड होता है जिस सिटी का वो ब्रांच होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं उस सिटी का कोड होगा जहां पे भी वो ब्रांच स्टेबल होगा, स्थित होगा, लोकेटेड होगा। द नेक्स्ट थ्री डिजिट स्टैंड फॉर बैंक कोड। नेक्स्ट का जो थ्री डिजिट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस बैंक का कोड। व्हाइल द लास्ट डिजिट रिप्रेजेंट द बैंक ब्रांच कोड। एंड लास्ट का जो थ्री डिजिट बचता है वो बैंक के ब्रांच का कोड होता है। इट मीन्स आपका जो स्टार्टिंग का थ्री डिजिट होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट का कोड होगा, फिर उसके बाद वाला जो थ्री डिजिट होगा वो क्या होगा, उस बैंक के ब्रांच का कोड होगा, एंड लास्ट का जो
डिजिट कोड होगा वो क्या होगा, वो भी ब्रांच का कोड ही रिप्रेजेंट करता है। द नेक्स्ट थ्री डिजिट स्टैंड फॉर बैंक कोड। हाँ, नेक्स्ट थ्री डिजिट होता है जो वो बैंक का कोड रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो लास्ट का होता है वो बैंक के ब्रांच का कोड होता है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हम लोग का OCR। इट मीन्स फुल फॉर्म पे भी आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली OCR का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। वहां पे आपको टिक करना होगा कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। वैसे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो आपको कॉपी पेस्ट तो आता है ना, तो यहाँ से कॉपी करके वहां पेस्ट कर दीजिएगा। दिखेगा आपका टैलेंट तो कि आप कॉपी पेस्ट करने में कितने फास्ट है। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। तो OCR क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम लोग क्या कहाँ करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने में। OCR स्कैन्स टेक्स्ट ऑप्टिकली। अब देखिए OCR के थ्रू, OCR के हेल्प से जो प्रिंटेड टेक्स्ट है, कहीं पे लिखा गया जो टेक्स्ट है उसको हम लोग स्कैन कर पाते हैं। OCR स्कैन्स टेक्स्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाई करेक्टर। इट कन्वर्ट्स देम इनटू अ मशीन रीडेबल कोड एंड स्टोर द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। तो क्या होता है, जो आपका करेक्टर बाई करेक्टर, इट मीन्स जो कई सारे मैटर लिखे होते हैं, जो टेक्स्ट लिखे होते हैं, अगर उसको स्कैन करना है तो हम लोग OCR के थ्रू करते हैं, और वहां पे वो क्या करता है, इस करेक्टर को, उस वर्ड को, उस पूरे स्टोरी को करेक्टर बाई करेक्टर स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, मशीन रीडेबल कोड में। देन वो क्या करेगी, मशीन को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ABCD। अब ये क्या करेगा, OCR इसको स्कैन करेगा और कन्वर्ट किस में करेगा, मशीन रीडेबल कोड में। इट मीन्स इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और इसमें कन्वर्ट करने के बाद फिर से जब आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखेगी तो वहां पे आपको ABCD ही दिखेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ट्रांसलेटर लगे होते हैं, और उन ट्रांसलेटर का काम ही यही होता है कि वो क्या करे, पहले तो मशीन के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, देन उसके बाद मशीन की लैंग्वेज के कोड को हाई लेवल में, इट मीन्स हमारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे, जिससे हम आसानी से उस वर्क को परफॉर्म कर पाए, समझ पाए उस स्टोरी को। तो ये क्या करेगा, स्कैन करने के बाद स्टोर कर देगा मेमोरी में, और जब मेमोरी में स्टोर हो गया तो आप उस पर कोई मैनिपुलेशन, कोई भी एडिटिंग, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हम लोग का बारकोड रीडर। तो अगर बात करें बारकोड की, तो ये बाल का कोड नहीं, वो जो हम लोग के गुड्स पे, जो हम लोग के प्रोडक्ट पे क्या होता है, प्रिंट होता है, उस बारकोड की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, अब मान लीजिए आपके प्रोडक्ट पे ये बारकोड ऐसे ही प्रिंट हुआ है, तो आपको देख के ये क्या समझ में आएगा, क्या दिखता है कि बेवजह फालतू में इधर उधर की लाइन प्रिंट कर दी गई है। ये बेवजह नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, ये एक कोड प्रोवाइड किया गया है किसी एक प्रोडक्ट पे, और इस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, तो आप कैसे ये कंफर्म होंगे, आप कैसे ये श्योर होंगे कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है, ये कॉपी प्रोडक्ट नहीं है। तो वहां पे क्या होता है, जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वो अपने ऑफिशियल पैनल पे, ऑफिशियल साइट पे क्या करती है, स्टोर करती है, रखती है। तो वहां से आप जब मैच करवाते हो, तो जब मैच करने के बाद क्या हुआ, आपने इसको स्कैन किया, किससे स्कैन किया, इस बारकोड मशीन से, बारकोड रीडर से। तो ये क्या करेगा, वहां पे स्टोर सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रिप्रेजेंट कर देगा। जब आपको रिप्रेजेंट कर देगा, और आपको पता, तो इतना तो पता है कि कौन सा प्रोडक्ट ओरिजिनल है, कौन सा प्रोडक्ट लोकल है, तो जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे क्या हुई, मैच हुई उसके ऑफिशियल साइट पे, तो आप श्योर हो जाते हो कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ओरिजिनल है। तो क्या होता है, बारकोड रीडर इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोडेड डेटा। तो बारकोड रीडर एक डिवाइस है, एक इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू बारकोडेड डेटा को हम लोग रीड करते हैं, डेटा इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन। अब ये डेटा हम लोग के व्हाइट या डार्क लाइन की फॉर्म में होती है, और आपको नीचे कुछ नंबर भी दिखे जाएंगे, तो ये नंबर भी आगे पीछे लिखे गए होते हैं। तो इसके बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ कोई डाउट है, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, हम उसका रिप्लाई भी जरूर करेंगे। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के ओर, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हम लोग का OMR। फुल फॉर्म कमेंट कर दो जल्दी से। तो फुल फॉर्म क्या करना है आपको, कमेंट में बताना है। OMR इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल।
तो OMR भी एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी टाइप का मार्क किया गया है पेन और पेंसिल से, तो हम लोग उसको रीड करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उस पर कुछ भी वर्क परफॉर्म अगर करवाना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, तो वहां पे कौन वर्क करेगा, OMR करेगा। और वही क्या करता है, जैसे आप कभी एग्जाम वगैरह देते हैं तो आपको जो OMR सीट होती है वहां पे आपको ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसको काफी केयरफुली फिल करिएगा, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मशीन है, एक डिवाइस है, यहाँ पे कोई इंसान नहीं बैठा है कि आप थोड़ा सा भी फिल कर दिए तो वो समझ जाएगा ना आप इसी को फिल करना चाहते हो। या फिर कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपको चार सर्कल मिले हैं, अब चारों में से किसी एक को आपको क्या करना था, डार्क करना था, तो पहले पॉइंट तो ये समझ लीजिए ये एक मशीन है, ये सिर्फ एक ही चीज को समझेगा, उसको जो पहले से डिफाइन कर दिया गया है, तो ये उसी को रीड करता है जो सर्कल कंप्लीटली डार्क हुआ हो, या पेन हो या पेंसिल हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों की बात की गई है। मान लीजिए आपने इसको दूसरे वाले को डार्क कर दिया कंप्लीटली, फिर उसको क्रॉस करके तीसरे वाले को किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो मशीन इस डेटा को रीड ही नहीं करेगी, इग्नोर कर देगी आपका, ये आप ये क्वेश्चन को कंप्लीटली फिल भी किए हो तो भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि दिस इज अ मशीन, इसकी सिर्फ दो ही स्टेट है, दो ही कंडीशन है, या तो ये उसको ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, अब ऑप्शन नहीं होता इसके पास। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग, कोई टीचर अगर इस कॉपी को चेक कर रहा होता तो वो क्या करता, अगर आप इसको क्रॉस किए हो तो वो इसको एज अ ट्रू एक्सेप्ट कर लेता, रीड कर लेता कि हाँ आपने इसी को ट्रू किया है और आपका यही एग्जैक्ट वाला आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इट इज ट्रू इट इज फॉल्स, अगर ट्रू है तो एक्सेप्ट किया, फॉल्स है तो इग्नोर किया, अगर आप किसी दूसरे को फिल करते हो तो उससे कोई मतलब नहीं रह जाता। तो क्लियर हो गया होगा OMR, आइए चलते हैं नेक्स्ट इनपुट डिवाइस की ओर। तो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हम लोग का माइक्रोफोन, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस क्या है, माइक्रोफोन, कौन सा, जो बड़ा वाला होता है वही, बस नहीं, कोई सा भी आपका जो माइक होता है उसको हम लोग, उसका फुल फॉर्म ही होता है माइक्रोफोन। अब अगर बात करें माइक्रोफोन की, तो वहां पे क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो क्या होता है, आपका जो साउंड होता है वो रिकॉर्ड होता है और वो जाके डिजिटल फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, वो डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डेटा को एक्सेप्ट करने का मतलब दैट इज इनपुट डिवाइस। तो माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, आपके साउंड को स्टोर करता है डिजिटल फॉर्म में, किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। तो क्या होता है लाइट पेन, तो जिस पेन में क्या होती है, लाइट लगी होती है, वो पेन लाइट पेन होता है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट पेन का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज सिमिलर टू अ पेन, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि लगभग एक पेन की तरह ही होता है, लेकिन वर्क कुछ अलग कर रहा होता है। इट इज यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेनू आइटम्स और ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इसकी हेल्प से आपके मॉनिटर स्क्रीन पे कोई मेनू है, कोई आइकन है, उसको सेलेक्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, या फिर अपने मॉनिटर स्क्रीन पे कोई पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे स्टार्टिंग क्या हुआ था, जब आपका स्मार्टफोन आना स्टार्ट हुआ था तो वहां पे आपका क्या होता, फिंगर वगैरह वर्क नहीं करता था, तो वहां पे आपको क्या मिलता था, पेन की तरह मिलता था। तो उससे क्या करते थे हम लोग, एक जगह से दूसरी जगह किसी फोल्डर को मूव कराते थे, उस सिस्टम को, उस फोन को यूज कर पाते थे। तो लाइट पेन क्या करता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है, आपके मॉनिटर के स्क्रीन पे कोई भी वर्क परफॉर्म करवाना है तो आप इसके थ्रू भी आसानी से वर्क को परफॉर्म करवा सकते हो। और दोस्तों आज की क्लास यहीं तक के लिए एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। हम लोग का ये जो CCC कंप्लीट कोर्स सीरीज चल रहा है, ये हम लोग स्टार्टिंग टू एंडिंग तक, इट मीन्स शुरू जहाँ से किए हैं एंड जहाँ तक होना चाहिए हम लोग वहाँ तक करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी मिस करने वाले नहीं हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि
थोड़ी मेहनत है तो आपको आपका भी इतना हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपको लगता है कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको जो टेक्स्ट मूव कर रहा है वहां पे ऑफिशियल नंबर प्रोवाइड किया गया है, आप उसके थ्रू भी आप अपने किसी भी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। और हमारा ऑफलाइन बैच भी रामबाग में चल रहा है, अगर आप कोई ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इससे बेफिक्र रहें कि आपका कुछ भी यहाँ पे मिस होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिकल के लिए नहीं आ पा रहे हैं तो हम उसी लेवल से ही डिस्कस करेंगे कि आप अपने घर पे भी बैठ के वो सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं और सारी सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।